देख रहे हैं लाइव 7। नमस्कार, लाइव 7 विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्ञान रंजन। विशेष में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जमशेदपुर संसदीय सीट की। जी हां, जिस तरह से लगातार लाइव 7 की ओर से दर्शकों के बीच हर संसदीय क्षेत्र में क्या समीकरण बन रहे हैं, क्या कुछ रणनीति तैयार की जा रही है, क्या कुछ होने जा रहा है, कौन से फैक्टर कहां काम कर रहे हैं, इन सारे विषयों को आपके सामने रखने का प्रयास किया गया है। हो सकता है उसमें कुछ त्रुटियां रही हों और कई दर्शकों ने उस पर हमारा ध्यान भी आकृष्ट कराया है, उन्हें हम धन्यवाद करते हैं लाइव 7 की ओर से। बहरहाल, जो चर्चा कर रहे हैं जमशेदपुर संसदीय सीट की, ये सबसे लास्ट में चर्चा होने के पीछे वजह है कि सबसे लास्ट में इंडिया गठबंधन ने यहाँ से बहरा गोरा के विधायक समीर मोहंती को अपना प्रत्याशी बनाया है। गुरु चेला आमने सामने है इस चुनाव में जमशेदपुर संसदीय सीट पर। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बयान जैसे ही टिकट की घोषणा गुरुवार को होती है समीर मोहंती की, उसके बाद मीडिया से मुखातिब होकर जो उन्होंने बयान दिए थे उसमें कहा था कि विद्युत वरण महतो मेरे द्रोणाचार्य हैं और जीतेगा तो अर्जुन ही। अब अर्जुन जीतेगा या द्रोणाचार्य वहां से हैट्रिक मारेंगे, ये तो वहां की जनता तय करेगी। लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि जब गुरु चेला आमने सामने है तो क्या समीर विद्युत की बिजली को गुड़ कर पाएंगे, क्योंकि समीर और मोहंती जो हैं वो पहली मर्तबा लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार वो विधायक ही बने हैं बहरा गोरा से, और उसके बाद पार्टी ने उन पर भरोसा जताकर उनको टिकट दिया है। तो जाहिर है कि वो जिस तरह से दावा ठोक रहे हैं उनका कुछ गणित होगा, उनका कुछ अरिथमेटिक होगा, जिस अरिथमेटिक के बूते वो दावा ठोक रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो आंकड़े हैं, हम जिन आंकड़ों को लेकर चर्चा करते हैं उस आंकड़ों के बारे में मैं पहले बता दूं कि जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में 6 विधानसभा की सीटें आती हैं, जिसमें से 2 सीट ST के लिए रिजर्व है, 1 सीट SC के लिए रिजर्व है और 3 सीट सामान्य सीटें हैं। 3 में से 2 ऐसी सीटें हैं जो पूरी की पूरी अगर कहें तो शहरी क्षेत्र में पड़ते हैं, वो जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी। आपको याद होगा कि जमशेदपुर ही विधानसभा के रूप में मैं बात कर रहा हूँ, जमशेदपुर पूर्वी एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जहाँ पर कि मुख्यमंत्री रहते मुख्यमंत्री चुनाव में हार जाते हैं। देखा होगा 2019 के चुनाव में रघुवर दास चुनाव हार गए थे, सरजू राय ने निर्दलीय खड़े होकर उन्हें चुनाव में हराया था। समीर मोहंती 2005 से ही चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी 10,000 वोट, कभी 12,000 वोट, उसके बाद 40,000 वोट तक पहुंचे। लेकिन जब वो चुनाव जीते तो रिकॉर्ड मतों से जीते, 60,000 से ज़्यादा मतों से वो चुनाव जीते। और वहाँ के पूर्व विधायक जो कुणाल सारंगी थे, जो पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा से ही विधायक थे लेकिन उन्होंने पाला बदलकर भाजपा का दामन थाम लिया था चुनाव के पहले, 2019 के विधानसभा चुनाव के पहले, उनको 60,000 से ज़्यादा मतों से हराया था, जो बहरा गोरा विधानसभा क्षेत्र का अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। साथ ही साथ 1,00,000 से ज़्यादा वोट इन्होंने विधानसभा चुनाव में लाए थे समीर मोहंती ने। लेकिन सवाल वही उठता है, घूम फिर के सवाल वही आ जाता है कि क्या जहाँ जो दोनों प्रत्याशी हैं, चाहे वो भाजपा के विद्युत वरण महतो हों या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समीर मोहंती हों, दोनों की संसदीय यात्रा की शुरुआत जो होती है वो बहरा गोरा विधानसभा से ही होती है। विद्युत वरण महतो भी सांसद बनने से पहले बहरा गोरा से विधायक थे, उसके बाद 2014 में भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने उन्हें टिकट दिया और भाजपा को उन्होंने निराश भी नहीं किया। 2 मर्तबा 2014 और 2019 दोनों ही मर्तबा वो चुनाव जीते। 2019 में तो उन्होंने मुख्यमंत्री जो अभी के हैं चंपाई सोरेन, उनको परास्त किया था 3,00,000 से ज़्यादा मतों से। और अब समीर मोहंती, जिनकी भी संसदीय यात्रा की शुरुआत बहरा गोरा से ही होती है, पहली मर्तबा 2019 के विधानसभा चुनाव में वो जीत कर आते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू, फिर झारखंड विकास मोर्चा, भाजपा और फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये उनका रूट चार्ट रहा है पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ाव का। और जब घर वापसी करते हैं 2019 के चुनाव में, जब भाजपा से उन्हें टिकट नहीं मिलता है बहरा गोरा से, कुणाल सारंगी को टिकट मिलता है, तो वो फिर से वापसी कर लेते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में और झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें टिकट देता है
और वो रिकॉर्ड मतों से वहां से चुनाव जीतते हैं। अगर आप यह जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों को देखेंगे तो उसमें पाएंगे बहरा गोरा में झारखंड मुक्ति मोर्चा, घाटशिला में झारखंड मुक्ति मोर्चा, पोटका में झारखंड मुक्ति मोर्चा, जमशेदपुर पूर्वी में निर्दलीय, जमशेदपुर पश्चिमी में कांग्रेस पार्टी और जुगसलाई में झारखंड मुक्ति मोर्चा। जुगसलाई सीट जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, बाकी की तीन सीटें जो हैं वो बहरा गोरा हो, जमशेदपुर पूर्वी हो या जमशेदपुर पश्चिमी हो, ये जनरल सीटें हैं, लेकिन पोटका और घाटशिला ये एसटी के लिए रिजर्व सीटें हैं। तो जाहिर है दो विधानसभा क्षेत्र जब एसटी के लिए रिजर्व हैं तो वहाँ पर एसटी की संख्या होगी, और मेरे पास जो आंकड़े हैं उसमें 26% एसटी की संख्या बताई जा रही है, 26% एसटी मतदाता वहाँ पर हैं। ओबीसी के मतदाता लगभग 28-30% हैं, जिसमें कुर्मी मतदाता 8-10% हैं, और इसके अलावा अन्य जाति उसमें जो ओबीसी में आती है, चाहे वो वैश्य हो, यादव हो, इनकी भी संख्या है वहाँ पर, वैश्य और यादवों की भी संख्या है। सामान्य जाति की भी संख्या 16-18% के करीबन है। मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 6% के करीब में है, मुस्लिम मतदाता वहाँ पर जो है, जो वो माफ़ कीजिएगा 9% करीब मुस्लिम मतदाता है। तो इतिहास क्या रहा है इस संसदीय क्षेत्र का, अगर आप 1957 से देखेंगे तो 1957 में यहाँ से मोहिंदर कुमार घोष चुनाव जीते थे, वो कांग्रेस पार्टी के थे। 1962 में उदिकर मिश्रा चुनाव जीते थे, सीपीआई से थे। 1967 में एससी प्रसाद चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी से थे। 1971 में सरदार स्वर्ण सिंह सोखी चुनाव जीते थे, कांग्रेस पार्टी से थे। 1977 और 1980 में रुद्र प्रताप सारंगी जनता पार्टी से चुनाव जीते थे, काफ़ी कद्दावर नेता थे वहाँ के जमशेदपुर के। 1984 में गोपेश्वर चुनाव जीते थे कांग्रेस पार्टी से, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता वहाँ पर खुलता है, शैलेंद्र महतो खाता खोलते हैं, बड़े आंदोलनकारी है वो झारखंड आंदोलन के, झारखंड मुक्ति मोर्चा का खाता खुलता है 1989 और 1991 में, लगातार दो टर्म शैलेंद्र महतो वहाँ से चुनाव जीते थे। 1996 में महाभारत के कृष्ण, उस समय महाभारत सीरियल जो चल रहा था उसके कृष्ण नीतीश भारद्वाज वहाँ से भाजपा के टिकट पर चुनाव जीते थे। 1998 और 1999 में शैलेंद्र महतो की पत्नी आभा महतो चुनाव जीतती हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बैनर से वो चुनाव जीतती हैं। 2004 में सुनील महतो चुनाव जीतते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा से। उनके निधन के बाद जो उपचुनाव होते हैं 2007 में, उसमें उनकी पत्नी सुमन महतो चुनाव जीतती है झारखंड मुक्ति मोर्चा से। 2009 में अर्जुन मुंडा भाजपा से चुनाव जीतते हैं, फिर अर्जुन मुंडा इस्तीफा देते हैं जब वो मुख्यमंत्री बन जाते हैं, इस्तीफा देते हैं 2010 में जब मुख्यमंत्री बनते हैं सितंबर के महीने में। तो फिर 2011 में जो चुनाव होता है वहाँ पर, वहाँ से डॉक्टर अजय कुमार झारखंड विकास मोर्चा से चुनाव जीतते हैं। 2014 और 2019 में विद्युत वरण महतो बीजेपी से चुनाव जीतते हैं। 2014 में दूसरे स्थान पर झारखंड विकास मोर्चा के डॉक्टर अजय कुमार रहे थे और झारखंड मुक्ति मोर्चा तीसरे स्थान पर थी उस समय। और अगर आप 2019 की बात करें, 2019 में विद्युत वरण महतो की सीधी टक्कर हुई थी मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन से, और जब उसमें विद्युत वरण महतो को 2019 के चुनाव में 6,79,632 वोट आए थे, जबकि चंपाई सोरेन को 3,77,542 वोट आए थे, और उनकी हार 3,02,090 वोटों से हुई थी। ये आंकड़ा था वहाँ का जो स्थिति था। अब उसमें अगर आप देखें जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में जो है, अगर आप देखेंगे तो जमशेदपुर पूर्वी और जमशेदपुर पश्चिमी पूरी तरह से शहरी बेल्ट है। 40% शहरी आबादी है इस संसदीय क्षेत्र में और 60% ग्रामीण आबादी है। जाहिर है ग्रामीण आबादी में खास करके जो ट्राइबल मुस्लिम ये जो आबादी हैं, इस पर हमेशा से जो देखा गया है अधिकांश वोट जो मूव करते हैं वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ मूव करते हैं, और ये पिछले विधानसभा चुनाव परिणाम से भी इंकित होता है कि जो दो सीटें शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, दोनों ही सीटों पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी चुनाव जीत कर आते हैं। इसके अलावा अगर आप और आकलन करेंगे तो जमशेदपुर के जो पश्चिमी में भी अल्पसंख्यक समुदाय के अच्छे खासे वोट हैं। कहा जाता है कि उस
विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा वोट जो है सो वो अल्पसंख्यक समुदाय के यानी मुस्लिम समुदाय के हैं, और ये वोट भी आप समझ सकते हैं कि ये मूल रूप से जो वोट है वो आपका झारखंड मुक्ति मोर्चा या जो भाजपा के अगेंस्ट में पार्टियां होती है उसके पक्ष में जाता है। लेकिन इस बार जो मेरी बातें हुई प्रभात खबर के वहां के स्थानीय संपादक से मेरी बात हुई, उन्होंने जो जमशेदपुर का दृश्य बताया वो दृश्य कुछ और ही बयां कर रहा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोग ये समझ रहे हैं समीर मोहंती को टिकट देने के बाद कि भाजपा को वॉकओवर मिल गया है, तो वो गलत सोच रहे हैं। जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में 3.5-4 लाख वोट जो है उनके हिसाब से वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का है, और उसमें भी उन्होंने एक चीज जो और नया जोड़ा वो आश्चर्य करने वाला था। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर पश्चिमी में जो मुस्लिम मतदाता हैं उसमें से कईयों के मुंह से ये सुना गया है, और कई चैनल्स पर बाइट भी चले हैं वहाँ के जो लोकल यूट्यूब चैनल या अन्य चैनल्स हैं उसमें, कि वो भाजपा को वोट देंगे। तो उन्होंने कहा कि अभी स्पष्ट कह पाना बड़ी मुश्किल है, और लेकिन इस बार उन्होंने एक चीज बड़ी बारीकी का चीज उन्होंने बताया कि ज्ञान जी इस बार जनता चुनाव लड़ रही है, नेता चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, और जनता चुनाव लड़ रही है तो जनता क्या तय करेगी ये कह पाना मुश्किल है। ये जब तक बैलेट खुलता नहीं, जब तक ईवीएम खुलता नहीं है, काउंटिंग शुरू नहीं होती है, तब तक ये पता नहीं चल सकता है। तो जाहिर तौर पर बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रभात खबर के स्थानीय संपादक हैं जमशेदपुर में, और इसी विषयों पर उनसे बातें हुई थी। तो उन्होंने कहा था ग्रामीण क्षेत्र का अधिकांश वोट आज भी जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को जाता है। उन्होंने कहा कि 11 लाख के तकरीबन वोट जो हैं, जो 18-19 लाख वोट हैं जमशेदपुर संसदीय क्षेत्र में, उसमें से तकरीबन 11 लाख वोट जो है वो ग्रामीण मतदाताओं का है, और ग्रामीण मतदाताओं में से 60% वोट जो है सो वो अभी भी जो है वो जाता हुआ दिखता है। जो रुझान पिछले चुनावों में देखा गया था मोदी की लहर के बाद भी जमशेदपुर संसदीय सीट से अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा 3 लाख से ज़्यादा 3.5 लाख के करीबन वोट लाती है तो जाहिर है कि इसके पीछे ग्रामीण क्षेत्र में उसको वोट मिलता है। और इसी बात की ओर उन्होंने इसी विश्लेषण के साथ उन्होंने मुझे समझाया था कि ग्रामीण क्षेत्र में भाजपा को मेहनत करनी पड़ेगी और जो मजबूती है। साथ ही साथ उन्होंने एक बहुत अच्छी बात यह भी कही कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने टिकट देने में जो विलंब किया है इसका फायदा भाजपा को मिलता हुआ दिख रहा है। भाजपा ने शुरुआती पहली लिस्ट जो जारी की थी उसी में जमशेदपुर सीट के लिए नाम का ऐलान कर दिया था, और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सबसे लास्ट में जाकर के अपने कैंडिडेट के नाम का ऐलान किया है। और इस बीच जो राजनीति जमशेदपुर के राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा हो रही थी कि सुधीर महतो की बेटी को चुनाव लड़ाया जा सकता है, आस्तिक महतो को चुनाव लड़ाया जा सकता है, तो ये सारे चीज़ें जो चल रही थी इसका थोड़ा बहुत आंशिक नुकसान समीर मोहंती को, या फिर समीर मोहंती को ज़्यादा मेहनत करके जो नाम जो चले हुए थे चर्चा में आए हुए थे उन नामों के हिसाब से उनको जो थोड़ी बहुत जो खाई आई है इस खाई को उनको पाटना होगा, मेहनत करना होगा। बहरहाल अब देखना दिलचस्प ये है कि गुरु चेला की लड़ाई में क्या हैट्रिक मार पाते हैं विद्युत वरण महतो, क्योंकि उन्होंने पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को पछाड़ा था और अब उनके सामने उनके ही शिष्य खड़े हैं मैदान में। तो विद्युत वरण महतो हैट्रिक मारने को उतारू हैं, वहीं समीर मोहंती जो है सो दिल्ली जाने को बेताब हैं। इन दोनों की लड़ाई में फैसला क्या होता है ये तो समय बताएगा, 4 जून को पता चलेगा। लेकिन जमशेदपुर में अगर आप देखेंगे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा की भी जमीन कमजोर नहीं रही है और भाजपा की भी जमीन मजबूत है। तो इन दोनों को, भाजपा को जहां अपनी जमीन को, जो जमीन अभी उनके पिछले दो चुनाव से जो जमीन उनके साथ जुड़ी हुई है, 3 चुनाव के, 2009 में अर्जुन मुंडा जीते थे, बाद में जो उपचुनाव हुए उसमें अजय कुमार जीते थे, तो जो जमीन भाजपा की बनी हुई है वहाँ पर उस जमीन को वो किस तरह से बरकरार रख पाती है, और वहीं जो अपना पुराना इतिहास है झारखंड मुक्ति मोर्चा को समीर मोहंती उसे कैसे वापस दिलाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल आज के विशेष में इतना ही, आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव 7।